इन दिनों टमाटर खूब चर्चा में है। टमाटर का भाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 10 से 20 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 100 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। अब ऐसे में रसोई और जायका का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि मामला अब रसोई से निकलकर रिश्ते टूटने तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के धनपुरी थाने के बेमखोरी गांव में एक पति पत्नी की टमाटर पर ऐसी लड़ाई हुई कि पत्नी घर ही छोड़कर चली गई। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल बेमखोरी गांव के निवासी संजीव वर्मा एक ढाबा चलाते हैं। इस ढाबे के लिए वो सब्जी बनाने लगे तो उन्होंने सब्जी में 2 टमाटर डाल दिए। जब ये बात उनकी पत्नी आरती को पता चली तो इस बात पर आग बबूला हो गई और नाराज होकर बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। हालांकि पति ने अपनी गलती मानते हुए पत्नी को मनाने का खूब प्रयास किया और भविष्य में टमाटर का इस्तेमाल ना करने की कसम भी खाई, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा ढाबा है बेमखोरी बस स्टैंड में, मैंने टिफिन बनाया और उसमें 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में। उसके चक्कर में मेरी बीवी ने गुस्सा होके सुबह 10:30 बजे के बस में ये निकल के चल दी और बच्ची को लेके चल दी। उसमें से मैं परेशान हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ मैं, और थाना धनपुरी में रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया, फोटो भी दे दिया हूँ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो बीवी क्यों नाराज होके चली गई आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में, तो उसी को लेकर विवाद करने लगे। जी जी जी। उनका क्या कहना था? महंगा है टमाटर, मत डालो इसलिए। जी हाँ, महंगा रहा टमाटर इसलिए। इसके बाद संजीव अपनी पत्नी की तलाश के लिए थाने पहुंचा और पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद मामले में शिकायत भी दर्ज की गई। इस बारे में पुलिस का क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। फरियादी आया था संदीप बर्मन, उसने बताया कि उसने सब्जी बनाते वक्त 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर भी बात हुआ। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते वक्त उसने 3 टमाटर सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है, जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात फरियादी की रिपोर्ट में समझ में आया है कि नाराज होकर ही घर से गई है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी का ये मसला जल्द सुलझ जाएगा और टमाटर आने वाले दिनों में रिश्ते टूटने की नहीं बल्कि स्वाद बढ़ाने की वजह बनेगा। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को उत्तर प्रदेश सरकार गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिंचाई करने की योजना तेजी से फल फूल रही है। राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा। हमें उपयोग करना चाहिए और ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है। इसके माध्यम से हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पूरे देश में शक्ति सोलर पंप योजना चलाई जा रही है, जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्रावधान है, जिसमें किसान 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 39,610 सोलर पंप लगाए गए। सर, हम अपने कृषि केंद्र पर जाते थे
और वहीं पर हमें पता चला वैज्ञानिकों द्वारा कि मतलब कि इसे सिंचाई में सुविधा होती है और हमें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लगवाएं, तो वहीं पर गए तो वो लोग बोले बताए इसके विषय में और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है। लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो कास्ट बिजली का कास्ट से बचत हो गई सर। कोई टेंशन नहीं है अब, चाहे हवा रहे पानी रहे बिजली जाए आए कोई मतलब नहीं है, हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे इसे। सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। किसान सिंचाई के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोलर पंप के प्रयोग से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि राज्य के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके। मैंने जाकर अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर पता किया तो वहाँ के कृषि उपनिदेशक ने हमें बताया कि सब्सिडी पर सोलर पंप आया हुआ है जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता एवं बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं। तो मैंने जाकर अपना खतौनी और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना का लाभ पाया। सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद स्कीम नहीं है बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूरदर्शी योजना है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे ये योजना विश्व स्तर पर चल रही क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है।